टिप्स फॉर योर फ्लाइंग फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली, गाइड टू बोर्डिंग एंड इंटरनेशनल फ्लाइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना है कि जब भी आप कभी भी किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के लिए पहली बार ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, उस केस में जो आपका पहला ट्रिप ये होने वाला है, वहाँ पे जो आपकी पहली फ्लाइट इंटरनेशनल होगी, उसको बोर्ड करने के लिए आपको कौन कौन से वो टिप्स हैं जो ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हों, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, दिस साइड अंश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए पहली बार जब आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहे होते हैं और पहली फ्लाइट आप इंटरनेशनल बोर्ड करने जा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वो है आपका अपना पासपोर्ट का वैलिडिटी चेक करना। हाँ, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हर एक कंट्री आपसे मांगती है वो होता है एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट पे होनी चाहिए, साथ में 2 पेज आपके ब्लैंक हो। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 6 मंथ की वैलिडिटी हो। इवन मैं आपको एज एडवाइस ज़रूर करूँगा कि एटलीस्ट 1 साल का वैलिडिटी आप कंसिडर करके ज़रूर चलें कि आपके पास तो होना ही चाहिए, और साथ में 2 से 3 ब्लैंक पेज आपके पासपोर्ट पे। ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कभी भी किसी भी टाइम पे पहली बार या कभी भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे होते हैं उस केस में। वहीं दूसरी रिक्वायरमेंट जो आती है कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट को बोर्ड करते वक्त, वो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको चेक करना है कि कहीं आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो वीज़ा क्या आपको लगने वाला है जिस भी डेस्टिनेशन, जिस भी कंट्री पर आप जा रहे हैं, इसकी कन्फर्मेशन आप डायरेक्ट उस एयरलाइन से भी पूछ सकते हैं जिससे आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं कि क्या उस जगह के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो उस कंट्री, जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं, उनके कॉन्सुलेट या एम्बेसी को डायरेक्ट आप कॉल करिए, ईमेल करिए, उनसे कम्युनिकेशन करिए। जो भी वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस है, उसको आप कंप्लीट करते हुए वीज़ा पहले से लीजिए। क्या आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा या ई वीज़ा अप्लाई करना है, किस तरह का वीज़ा आपको अप्लाई करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेने के बाद उस प्रोसेस को आप कंप्लीट करिए। ये एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करने के लिए। वहीं फ्रेंड्स, बात करें तीसरे रिक्वायरमेंट की जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कभी भी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट या जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हों, वो है इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स को चेक करना। हाँ, यानी आप ये चेक करिए कि जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपसे और क्या क्या चीज़ें मांग सकता है। एग्जांपल के लिए आपसे ऑनवर्ड टिकट, रिटर्न टिकट, आप जो बोलते हो फ्लाइट टिकट, वीज़ा अगर है तो वीज़ा आपको पहले से एडवांस में है कि नहीं, कोई ट्रैवल ऑथराइजेशन या इस तरह का कोई क्यूआर कोड वगैरह तो उनको स्कैन नहीं करना है, कोई फॉर्म डिक्लेरेशन तो आपको नहीं पहले से भर के रखना है, ट्रैवल इंश्योरेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपसे आइटनरी मांग सकते हैं, ITR मांग सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, कुछ भी वो आपको, फाइनेंस आपके पास कितना है, बैंक स्टेटमेंट, आपके पास कैश कितना है, तो वो सारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है ट्रैवल करते वक्त, जब भी आप फ्लाइट बोर्ड करने जाएंगे या पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हैं उस केस में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पहले से आप वेबसाइट पे जिस भी कंट्री या जिस भी डेस्टिनेशन के जा रहे हैं उनकी वेबसाइट पे पहले से पढ़ लें अच्छे से, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करके जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, अगर अब बात करें अगले टिप की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उस केस में जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट लेने जा रहे हैं, वो है आपका अपना सारा डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल यानी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपी, डिजिटल कॉपी, जो भी आप बोलो, वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके पास पहले से अरेंज होनी चाहिए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा, जो भी ट्रैवल आइटनरी है, होटल बुकिंग है, होटल वाउचर्स है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो, ITR हो, और भी जो फोटोग्राफ आपके हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का आप पहले तो एक स्कैन कॉपी रखिए अपने पास डिजिटल फॉर्म में। आप उस कॉपी को हार्ड कॉपी रखिए, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि जिस वक्त कभी आपका फ़ोन चार्ज नहीं है या कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको हार्ड कॉपी दिखानी पड़ सकती है, तो इसलिए आपने एक स्कैन कॉपी रख लिया अपने पास। उसके बाद आपने एक हार्ड कॉपी रख लिया उन सारे डॉक्यूमेंट्स के। इसके साथ जो आपको और चीज़ें फॉलो करनी है वो ये कि आप अपने ईमेल पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके रखिए, अपने सिस्टम, अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसको सेव करके रखिए। आप अपने किसी एक फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को या जिसको आप क्लोज जानते हैं, जो आपका ट्रस्टवर्दी है, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके ज़रूर रखिए, इन केस इमरजेंसी में आपके पास
इंटरनेट की एक्सेस नहीं है और आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपका फ़ोन बंद है, उस केस में भी आपके पास कोई हार्ड कॉपी भी नहीं है, तो ये सारी सिचुएशन में एटलीस्ट आपके पास मल्टीपल ऑप्शन ज़रूर होने चाहिए। और इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आप फ़ोटो कॉपीज अपने घर पर फिजिकल भी ज़रूर रख के जाएँ जब भी आप ट्रैवल करना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें अगले टिप की, तो वो है ये कि आपको अब ये चेक करना है कि कहीं आपका जो बैगेज है वो री चेक इन में तो नहीं जाना है। फ्रेंड्स, ये भी कई बार हम भूल जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है, बट जब भी आप अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे होते हैं तभी ये आप मेक श्योर कर सकते हैं कि कहीं आपकी फ़्लाइट का PNR 2 तो नहीं है, आप मल्टीपल या अलग अलग फ्लाइट से तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जिस एयरपोर्ट पे आप उतर रहे हैं कहीं वहाँ से आपका एंट्री या एग्ज़िट किसी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो नहीं है, आपका जो टर्मिनल है वो दो कनेक्टिंग फ़्लाइट के बीच में कहीं पे ऐसी जगह तो नहीं है कि आपको चेंज करना पड़ सकता है। उन सारे सिचुएशन में हो सकता है कि आपको दोबारा रीचेकिंग जो आपका बैगेज है उसको करने के लिए बोला जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने से पहले, इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने से पहले आपको ज़रूर मेक श्योर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप पहले से प्री इन्फॉर्म प्री कन्फर्म करके ज़रूर रखें। ऐसा करते हैं फ्रेंड्स तो बाद में आपको ट्रैवल करते वक्त या जब आप उस कंट्री या उस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे होते हैं तो इन सारी सिचुएशन में, इन सारी परेशानियों में आने पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप इजी वे में स्मूथ एंट्री ले पाएंगे, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। फिल आउट योर इमिग्रेशन कार्ड प्रॉपरली। हाँ फ्रेंड्स, ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब उस कंट्री में आप लैंड कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी भी कंट्री में आप पहली बार लैंड करेंगे, उस प्लेस पे जहाँ पे भी आप उतर रहे हैं फ्लाइट से अपने, एयरपोर्ट पे ही आपको इमिग्रेशन कार्ड यानी जो भी फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। कई बार ये आपको फ़्लाइट में मिल जाता है, कई बार आपको काउंटर पे मिल रहा होता है। उस फॉर्म को फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेना है, सीरियस होकर उस फॉर्म को फिल भी करना है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे वो आपसे मांग रहे होते हैं, आप ये मान के चलिए आपके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उसमें पासपोर्ट, वीज़ा, बाकी आइटनरी जो भी आपको पहले से बोला गया है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो और उस फॉर्म में बेसिकली मोस्टली जो देखा गया है कि आपसे आपके पूरे पासपोर्ट की डिटेल, फिर से वही जो चीज़ें शायद आपसे जो वीज़ा में आपने अप्लाई करते वक्त दिया हुआ था उसी तरह का वो फॉर्मेट रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोकल उस कंट्री में जहाँ पे आप गए हुए हैं, कहाँ पे रुकने वाले हैं, किस होटल में, उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, पोस्ट का नाम क्या है, या इस तरह की चीज़ें आपके साथ आप अपनी कौन कौन सी चीज़ें लेके आए हुए हैं, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करनी होती हैं। आपके पास कैश कितना है, आप कितने करेंसी के साथ आए हुए हैं, बैकअप आपके पास क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस कार्ड में आपको फिल करनी होती है। इस चीज़ को आप कभी भी लाइटली मत लें। अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वहाँ पे आप जो भी पर्सन डिपार्टमेंट होते हैं उनसे आप हेल्प लेके उस फॉर्म को करेक्ट वे में फिल करिए। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके वीज़ा अप्लाई करते वक्त, आपके पास जो आपका अपना डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवल करते वक्त, वो और उस फॉर्म में जो आप इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ये मेक श्योर करिएगा कि वो मैच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीनों रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही आपसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्वेश्चन पूछ रहा होता है और वो पूछ सकता है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में, उस कंट्री में पहुंचने के बाद उस होटल का और कुछ डाला हुआ है और आपने जो अप्लाई किया हुआ था, जो वाउचर आप लेके गए हुए हैं, होटल की बुकिंग जो आपने करके रखा है वो कुछ और है, उस केस में अगर वो मैच नहीं करता है तो डेफिनेटली वो उसी से ट्रैक कर जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाउट जाता है। इन सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उस इमिग्रेशन फॉर्म को बहुत ही आराम से, सावधानी से, करेक्ट वे में फॉर्म कंप्लीट करेक्ट फिल वहाँ पे फिलअप करना है। जब आप ऐसा कर देंगे तो आप मैक्सिमम सेफ एंट्री उस कंट्री में ले सकते हैं। अगर अब बात करें अगले टिप की, जो मैक्सिमम कई लोगों द्वारा रिकमेंड किया जाता है, वो मैं भी आपको बोलना ज़रूर चाहूँगा कि एयरपोर्ट पे कभी भी लैंड करने के बाद कोशिश करें कि आपको वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज ना करनी पड़े, क्योंकि एयरपोर्ट का जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है, कन्वर्जन रेट होता है, वो सबसे ख़राब होता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है फ्रेंड्स, कि ये ज़रूरी नहीं ये हर कंट्री के लिए अप्लीकेबल सेम हो। कई बार ऐसा देखा गया है, कई ट्रैवलर ने ये चीज़ें शेयर भी की हुई हैं, ब्लॉगर ने भी ये चीज़ बताई हुई है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एयरपोर्ट्स पे आपको नियर अबाउट या सिमिलर रेट मिल रहे होते हैं,
बट मैक्सिमम यह जरूर देखा गया है कि अगर आप वहाँ पे अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना चाहेंगे तो वो कन्वर्जन रेट अच्छे रेट आपको नहीं मिलने वाले। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप हो जाता है, जब भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहे हैं और किसी कंट्री में उतर गए हैं, पहुँचने के बाद आप तुरंत सोच रहे हैं क्योंकि आपको कैश जरूर चाहिए होता है, तो बेस्ट ये है थोड़े से USD आप लेके पहले से ट्रैवल जरूर करें, फिर वहाँ पे आप चाहे तो अपना बाकी का फर्दर ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के सिटी में पहुँचने के बाद कर सकते हैं या नियर आसपास की जो जगह है वहाँ पे कर सकते हैं। अभी भी पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप जब आप कर रहे होते हैं या पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे होते हैं, उस केस में वो है ये कि जिस भी डेस्टिनेशन जिस भी कंट्री पर आप जा रहे हैं उस प्लेस के बारे में आपके पास पहले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आप वहाँ पे इजी वे में सर्वाइव कर सकें। हाँ, यानी आपके पास पहले से उस सिटी के बारे में वहाँ का कैसा फूड स्टे ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे नेटवर्क कम्युनिकेशन बाकी चीज़ें आप कैसे वहाँ पे करने वाले हैं, हेल्थ वहाँ पे कैसा है, क्लाइमेट वहाँ का कैसे होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, बेस्ट प्लेस कौन सा हो सकता है विजिट करने का, टाइम वो कौन सा हो सकता है, क्या वो प्रिकॉशन है, वहाँ का कस्टम या इमिग्रेशन का रूल क्या है, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स पहले से आपकी रिसर्च जरूर होनी चाहिए, पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि आप पहली बार जब ट्रैवल कर रहे होंगे कस्टम डिपार्टमेंट जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो भी ये सारे क्वेश्चन शायद आपसे पूछ सकता है कि आप क्यों आए हैं, क्या आपका पर्पज़ है, कहाँ पे आप जाएंगे, क्यों जाएंगे, कितने दिन रहेंगे वहाँ पे, कैसे रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे जाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले से पता रहेंगी तो ये आपके लिए आपकी पूरी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये वो सारे टिप्स थे, ये वो सारे पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, जो आप कभी भी पहली बार अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं, पहली बार आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेने जा रहे हैं, तो ये सारे वो पॉइंट्स थे, ये वो सारे रिक्वायरमेंट्स थे जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, जैसा भी ये वीडियो लगा हो जो भी आपका फीडबैक है फ्रेंड्स वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स रोम एंटायर इंडिया विद मी हंस मिश्रा।